तो आप सभी का स्वागत है। 18 अगस्त की सभी शिफ्ट में मैथ्स में जो क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ एक बार मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए थे जो कि बच्चों ने स्मृति बेस पर बताए हैं मेमोरी के आधार पर, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन विद PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जरा पढ़ ले। कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, इनके वर्गों का योग आपको दिया है 7808, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको करने का तरीका क्या है भाई, देखो कह रहा ना कि सबके वर्गों का योग इतना है, तो मैं वर्ग कर लेता हूं। तो वर्ग यहां पर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, मैं सबके साथ एक कॉफिशियंट एक्स मान लेता हूं ना, तो इससे फायदा रहेगा आपको, तो कंफ्यूजन नहीं आएगी। 7 का वर्ग 49x स्क्वायर, 8 का वर्ग 64x स्क्वायर, और ये बराबर किसके होगा 7808 के, राइट ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा सवाल था, सरल था, लेकिन बस कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इस चीज का आप लोग आगे की परीक्षाओं में ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करने में हमें सहारा लेना होगा परिमेयकरण का। किसका? परिमेयकरण का, यानी कि रेशनलाइजेशन का सहारा लेना होगा परिमेयकरण का। अब परिमेयकरण क्या होता है सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि आप लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। तो देखिए रूट के बाद हमने लिखा, नीचे लिखा है 1 प्लस cos थीटा। परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा का गुणा ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिल जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट है, और नीचे क्या मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा, तो ऊपर अपने पास बचेगा 1 माइनस cos थीटा, और नीचे अगर आप देखिए तो ये लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बनता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इस रूट से खत्म हो जाएगा, तो सर नीचे क्या बचेगा सिर्फ साइन थीटा। अब आप समझिएगा इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बात ऐसे लिखी जा सकती है। तो आप समझिएगा कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या बनता है भाई, कोसेक थीटा, ठीक, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बनता है कॉट थीटा। तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब अगर आपके पास इस सवाल में ऑप्शन होते ना, तो आप एंगल पुटिंग से कि थीटा का वैल्यू कुछ मानकर रख देते हैं, जो आता ऑप्शन से उसको चेक कर सकते थे, ऐसे भी किया जाता है। बहुत प्यारे सवाल है, ठीक है ना, अच्छे सवाल आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है इसका वर्गमूल निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हम इसको थोड़ा जितना मिनिमाइज हो सकता है उतना कर देते हैं। 2 से काट लेते हैं, ऊपर 441 आएगा, 2 से काट लीजिए, नीचे 2 9 18, 2 6 12 और 2 1 2 961 आ जाएगा। अब आप देखिए 441 का अगर हमें इसका वर्गमूल लेना है 441/961 का, तो हमने देखा कि 441 का वर्गमूल तो 21 होता है और 961 का वर्गमूल 31 होता है, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा सर 21/31, तो ये इसका वर्गमूल हो गया। क्लियर है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपका अगला सवाल है आपके सामने। कह रहा है किसी टीवी का मूल्य प्रिंटर से 35,000 रुपए कम है। टीवी का मूल्य कम है किससे, प्रिंटर से, राइट, एक तरफ टीवी एक तरफ प्रिंटर, टीवी का मूल्य कम है प्रिंटर से। आगे बढ़ लेते हैं। प्रिंटर और टीवी के मूल्यों का अनुपात 2 और 1 है, यानी प्रिंटर का अनुपात अगर मूल्य का अनुपात 2 के अनुपात में, तो टीवी 1 के अनुपात में है। अब आप बताइए कि अगर मैं अनुपात में ही पूछूं तो प्रिंटर का अनुपात टीवी के अनुपात से ज्यादा है या नहीं है, बोले ज्यादा है सर, कितना, 1। या उल्टा कह सकते हो कि टीवी का अनुपात प्रिंटर के अनुपात से 1 कम है, तो इस 1 की वैल्यू क्या है, जितना यहाँ पर रुपए दिए हैं 35,000, 1 की वैल्यू आ गई 35,000 रुपए। आपसे कहता है तो बताइए टीवी का मूल्य क्या होगा। अब 1 का मान ही 35,000 रुपए है और टीवी के मूल्य का अनुपात भी कितना था 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 35,000 ही हो जाएगा, यानी टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा 35,000, 35K लिख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ चीजों के साथ बढ़ते हैं, ठीक है, 35K, तो आंसर भी क्या होगा 35,000। नेक्स्ट आइए, देखिए कह रहा है इसका मान बताना है, ये कि रिकरिंग डिजिट पर आधारित ये प्रश्न पूछा गया है, और कल की शिफ्ट में अगर मैं बात करता हूँ 18 अगस्त की शिफ्ट में रिकरिंग डिजिट पर सुबह से शाम की मीटिंग तीनों शिफ्ट को मिलाया जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए इस पर, और बहुत सरल चीजें होती हैं। क्या करना है आपको, देखिए 3.7 के ऊपर बार लिखा था, तो इसको 7/9 लिख लेते हैं, बोले हाँ सर लिख लेते हैं,
प्लस लिखा था, फिर 3 लिखा है, 6 के ऊपर बार लगाए तो 6/9 लिख लिया। बोले सर बिल्कुल सही जवाब है, ये भी लिख लिया। दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, 3 और 3 6 जोड़ लिया सीधे। बोले हाँ सर जोड़ लिया। इन दोनों में, 9 नीचे है, 9 एलसीएम आ गया, 7 और 6 13 हो गया। अब आप कहोगे सर 13 तो बड़ा आ रहा है, तो मैं कहता हूं कि इस 13/9 को आप अगर 9 से भाग दे तो 9 एकम 9 4/9 लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो ना, 1 सही 4/9। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूं, 1 सही 4/9, 1 सही 4/9। अब ये 1 इसके साथ जुड़े आएगा तो क्या बन जाएगा, 1 इसके साथ जुड़ा तो 7 बन गया और यहां पर आ गया 4/9। अब अगर नीचे 9 है तो इसको कैसे लिखोगे, भाई 7 तो बना रहेगा ना, दशमलव लगाइए, 4 4 के ऊपर बार लगा दीजिए। अब जैसे ये बार हटाओगे तो नीचे 9 आ जाएगा ना, तो आंसर क्या बना, 7.4। अच्छा, इसको एक तरीके से आप और देख सकते थे, समझिएगा, ऐसे सवाल जितने भी आएंगे भविष्य में आप लोग उसको समझिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बड़ी आसानी से। देखिए ये लिखा था 3.7 के ऊपर बार, यानी कि 7 7 7 7 7 जितने बार आप लिख सको, खत्म नहीं होगा ये। उसके बाद है 3.6 के ऊपर बार, तो 6 6 6 6 सो ऑन डैश डैश डैश। अब आप देखो कि अगर जोड़ना चालू करो, 7 6 13 के 3 7 6 13 1 14 7 6 13 1 14 7 6 13 1 14 3 3 6 और 1 7। आप देखिए कि 7.444 आ रहा, अगर यहाँ पर एक बार 7 6 और लिखा होता तो ये भी 4 होता, यानी आप कह सकते थे कि 7.4 और 4 रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बोलो ठीक है, तो दोनों ही तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरीके से आप सुविधाजनक अपने आप को महसूस करिए उससे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूलों का योग क्या होगा। देखिए क्वाड्रेटिक 18 अगस्त को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सुबह की शिफ्ट में भी, शाम की शिफ्ट में भी, और शायद दोपहर की भी शिफ्ट में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा करा दूंगा। आज मैंने एक पोल डाला है, उसको आप चेक कर लीजिएगा कम्युनिटी पर कि आपको कौन सा टॉपिक पूरा पढ़ना है एक ही दिन में। ठीक है, चलिए ये देखिए लिखा है 5x² + 7x + 5 = 0 लिखा है। कह रहा है इसके मूलों का योग क्या होगा। भाई मूलों, अगर हम इसके मूल अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो मूलों का योग क्या होता है। सर जी माइनस का b/a होता है, और मूलों का गुणनफल क्या होता है। बोले सर c/a होता है, हमें योगफल से मतलब था। माइनस का b/a यानी कि जब हम मूलों का योग कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, माइनस लगेगा, b की जगह 7 आ जाएगा, a की जगह 5 आ जाएगा, तो मूलों का योगफल क्या मिल जाएगा, -7/5। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सर अगले सवाल की उत्तर देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 14 18 और 12 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चीज तो यहां पर देखते ही कंफर्म हो गई कि सर अगर त्रिभुज की भुजाएं 14 है 18 है और 12 है, इसका मतलब भुजाएं की जो माप है वो अलग अलग दी है, और भुजाओं की माप अलग अलग देने पर ये क्या कहा जाएगा, ये विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं सर, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं सर, हीरोइंस फॉर्मूले का। ठीक है ना, और यहां पर एस क्या बनता है, एस बनता है तीनों भुजाओं का योग और बटे में, राइट ना, ये तो बनता है। ठीक है, तो वैल्यू रखनी है सर 18 12 30 30 और 14 44 44/2 का मतलब s का मान आ गया, अर्ध परिमाप अपने पास आ गया 22, राइट, आ गया 22। अब बस क्षेत्रफल निकाल के सॉल्व कर लेना, s की जगह 22 रखिए, 22 में से 14 घटाएंगे 8 बचेगा, 22 में से 18 घटाएंगे 4 बचेगा, 22 में से 12 घटाएंगे 10 बचेगा। बहुत साधारण सी बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। इस 4 का 2 बाहर आ गया ऑलरेडी पहले से ही, फिर आगे बढ़े 22। अब 22 को आप लिख लीजिए सर 2 × 11, 8 को लिख लीजिए 4 × 2, और 10 को लिख लीजिए 2 × 5। इस 4 का 2 और बाहर आ गया, इस 4 का 2 और बाहर आ गया, ऐसे समझना, इस 4 का 2 और बाहर आ गया, तो हमने 2 बाहर और लिख दिया। फिर देखिए इन दोनों 2 से मिलकर 2 और बाहर आ गया, तो ये भी 2 लिख दिया। इसका मतलब मैं इन तीनों हिस्सों को काम में नहीं लेता हूं, खत्म कर दिया इनका काम। अब हमारे पास अंदर सिर्फ यही बचा, बाहर क्या, 2 × 2 = 4 × 8, रूट के अंदर, अंदर क्या बचेगा, 11 × 22 = 22 × 5 = 110। ये लीजिए सवाल का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद कोई फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, कुछ बाहर नहीं आ पाएगा, तो आंसर क्या बन गया, 8√10। बोलो ठीक है, क्या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव था, ठीक था। इसमें पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। भाई अगर मैं आपके कहता हूं कि ए लिखा है a^(b)·a^(c)·a^(f), तो आपने ये सीखा है और समझा है कि अगर आधार बराबर होते हैं
तो उनकी पावर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, घातों को क्या कर देते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी ये हो जाता है ए की पावर बी प्लस सी प्लस एफ, राइट। यही तो होता है, बोले हाँ सर यही होता है। तो सेम काम यहाँ पे भी करना है। अब देखिए आधार अगर सबके बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आठ प्लस दो प्लस तीन, तो अपने पास क्या बन जाएगा, पाँच की पावर आठ, दो दस और तीन तेरह, पाँच की घात तेरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाँच की घात तेरह। बोलो ठीक है, क्या क्लियर है, स्पष्ट है ना, बात समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे आते हैं। कहता है 2000 रुपए की धनराशि का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज हमने आपको बता रखा है कि सर साधारण ब्याज क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा। साधारण ब्याज होता है सर दर गुणे समय, प्रतिशत में दर गुणे समय। तो आप बताइए यहाँ पे दर कितनी दी है, 5%, समय कितना दिया है सर, समय दिया है 3 वर्ष का, यानी जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होना चाहिए, 15%। अब बात यह है 15% किसका, तो ब्याज जो होगा हमेशा किसी ना किसी मूलधन का ही निकलेगा ना, यानी कि 2000 रुपए के मूलधन का आपको 15% निकालना है। तो बहुत ही सरल बात है कि 2000 का आपको 15% निकाल देना है। आप बिना कैलकुलेट और बिना लिखे भी निकाल सकते हो कि सर जी ये 300 आ जाएगा, तो ये होगा इसका साधारण ब्याज। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई साहब, 300 रुपये। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, दो संख्याएं दी हैं, अनुपात 7 और 5 दिया है, उनका अंतर आपको 28 दिया है, कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी। ये तो सवाल काफी सरल हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंतर आपको क्या मिल रहा है दोनों संख्याओं के अनुपात का, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अंतर तो 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, और सवाल के हिसाब से अंतर 28 था, तो 2 यूनिट का मान अगर 28 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 14। अब 1 यूनिट की वैल्यू 14 है तो आपसे कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या क्या थी इसमें, 5 यूनिट, तो हमको निकालनी है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 14 पंचे क्या हो जाएगा, 70 आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, बड़ी पूछता तो 14 70 98 हो जाती। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके मूल इतने इतने हैं तो इसका मान ज्ञात कीजिए, एक द्विघात समीकरण दिया है, फिर से देखिए ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल पूछा है, बहुत साधारण सी बात, हमने कहा इसके मूल अल्फा और बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा बताइए सर क्या होता है, आपने अभी पढ़ा था कि माइनस बी अपॉन ए, तो यहां पर बी क्या है, माइनस का 5, माइनस पहले ही लगा है, माइनस का 5 हो गया बी, ए क्या है 1, तो आप बताइए ये 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, बताइए सी क्या है सर, 2 है, ए क्या है, 1 है, यानी कि मूलों का गुणनफल आपके पास 2 आ गया। बोले सर क्या दोनों की जरूरत पड़ेगी, मूलों के युग और गुणनफल की, आप समझो आपसे इसका मान पूछ रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा नीचे, ऊपर बीटा इधर अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो अब बताइए बीटा प्लस अल्फा का मान क्या निकाला सर, 5, मूलों का योग क्या है 5 है, और मूलों का गुणनफल क्या है 2, तो 5/2 को आप 2.5 भी लिख सकते हैं, कि ये भी आंसर हो सकता है, या अगर भिन्न में दिया होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर 5/2 भी होगा। बोलो ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट आइए, इसमें कह रहा था कि जहां x बराबर 3 है, एक द्विघात समीकरण का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा अभी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अब देख रहे हो, द्विघात समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है कि एक एक शिफ्ट में उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब समझना ये x बराबर 3 है, इसका मतलब इस द्विघात समीकरण का एक मूल दिया है, एक रूट आपको देगा, एक रूट आपको क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3, कह रहा है k की वैल्यू पूछो। यहां पर दूसरा भी आपसे चीज पूछ सकता था, बताइए कि दूसरा मूल क्या होगा। दोनों बातें आपको समझा देते हैं, x बराबर 3 है रख दीजिए, तो 3 का वर्ग 9 माइनस 9 गुणे 3 और प्लस के बराबर में 0, ठीक है भाई, समझिएगा ध्यान से। अब अगर मैं मान निकालना चाहूंगा तो 9 माइनस ये हो जाएगा 27 प्लस के बराबर में 0, तो 27 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 18 प्लस के बराबर 0, के का मान आ गया 18। अब अगर k का मान 18 आ गया तो हमारे पास समीकरण क्या बन गया, हालांकि हमसे k का ही मान पूछा था, लेकिन अगर इसमें ये पूछ दिया होता ना कि दूसरा मूल क्या होगा, तो एक मूल तो आपको पता चल गया कि 3 दिया है, k का मान पता चल गया, 18 आ गया। अब अगर दूसरा मूल पूछा होता तो क्या करते, आप बताइए 18 लाना है और यहाँ पर 9 हो जाए, ऐसा क्या करें। बोले सर 6 और 3 x² माइनस का 6x माइनस का 3x
प्लस 18 बराबर में 0, तो x अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर x माइनस 6 बचता, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लेते x माइनस 6 बचता बराबर में 0 होता, तो x बराबर 1 3 आता, एक दूसरा मूल अगर पूछा जाता तो 6 आ जाता। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको सीखनी होंगी आज के पेपर में, कल के पेपर में, या आगे आने वाले फेजेस के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, कह रहा है इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? सर हमें सहारा लेना पड़ेगा बोर्ड मास का, और बोर्ड मास ये कहता है कि अगर ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करिए, फिर का को सॉल्व करिए, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है। तो हम देखते हैं सर ना का लिखा है कहीं, ना ब्रैकेट है कहीं, यानी कि हमें सबसे पहले अब डिवीजन करना होगा। तो 6 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, बोले आ जाएगा सर। प्लस में 28 था, माइनस का 7 था। अब देखो यहाँ पर गुणा है, 14 सत्य कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। 28 और 2 30 और इधर माइनस का 98, तो अगर हम घटाते हैं तो 8 बचेगा और इधर 6 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, तो आंसर क्या बनना चाहिए? माइनस का 68। बोलिए क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना का जवाब दें फटाफट से, कोई दिक्कत हो तो बताएं। अगर किसी को दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, वैसे किसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप लोग 3 साल से इन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अप्रैल 2019 से लेकर, अब ये समय क्या है, बोले सर समय है अगस्त 2022 से, यानी कि लगभग 3.5 साल से आपने इन चीज़ों को देखा है, ठीक है ना। चलिए अगते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक बिंदु ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से ए तक वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल निकालिए। आपको पता है कि जब ए से बी तक की दूरी तय की जाए या बी से ए तक की दूरी तय की जाए, तो दूरी बराबर होती है, और बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करने में जो एवरेज स्पीड बनती है वो क्या बनती है? बोले सर 2xy/x+y। यहाँ पर एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है, एक जाने की स्पीड x है और आने की स्पीड y है, सिंपल सी बात है। तो 2 की जगह 2, x की जगह हम लोग 60 रखेंगे, y की जगह 100 रखेंगे और नीचे कर देंगे 160, क्योंकि 100 + 60 = 160। 0 से 0 को ख़त्म कर लिया, 2 से काट लेंगे सर जी 8 बार हो जाएगा, 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 4 बार, 4 से काट लीजिए 25 बार, तो 25 × 75 हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड, खत्म हो गया सवाल। जितनी तेज कैलकुलेशन उतनी तेज सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा दिए गए चित्र में एक ही चित्र दिया गया है और इसमें पूछ रहा है आपसे एक्स का मान बताना है, तो ठीक है एक्स का मान बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडी कितना दिया हुआ है? एडी दिया हुआ है x+2। उसके बाद बीडी कितना दिया है? x+1 दिया है। फिर BC कितना दिया है? BC दिया है x-3, और आपसे कहता है, और DE भी दिया है 2x दिया है, तो आपसे कह रहा है x का मान बताना है। तो सवाल बड़ा ही सरल है, क्यों? क्योंकि इसमें जो बड़ा त्रिभुज है ना ABC, वो इस छोटे वाले त्रिभुज मतलब ADE के समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ठीक है इस पर हम लगाते हैं, तो अगर मैं छोटे त्रिभुज की भुजा x+2 लेता हूँ तो बड़े त्रिभुज की भुजा ये दोनों मिलकर आ जाएगी, यानी कि 2x+3 हो जाएगी, बड़े त्रिभुज की पूरी भुजा हो गई। अब हमने अगर छोटे त्रिभुज की भुजा 2x ली, तो बड़े त्रिभुज की भुजा क्या लिखी थी? x-3 लिख दिया, सिंपल सी बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें, तो x² होगा, प्लस का 2x, माइनस का 3x, तो माइनस x आएगा और 3 × 2 = 6 माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² बन जाएगा, और इधर कर लिया तो 3 × 6x हो जाएगा, राइट? बोले हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 4x² में 1x² माइनस हो जाएगा, 3x² इधर बचेगा, ये 6x इधर आ जाएगा, तो 6 + 1 = 7x हो जाएगा, माइनस का और -6 हो जाएगा, तो आपके पास आया 3x² + 7x और + 6 = 0। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर निकाल लेना है, 6 × 3 = 18, 9 − 2 = 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके सॉल्व करिए, x का मान निकाल लीजिए, x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगी, ठीक, x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगी। इसका ब्रेक कर पा रहे हो ना, मैंने आपको बता दिया कि अगर 6 × 18 तो 1 × 9 = 2, लिख देता हूँ वो भी, 3x² + 9x - 2x + 6 = 0, ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर ले लीजिएगा। और अगर नहीं सॉल्व होता है तो ये समझिएगा कि बच्चे ने जो सवाल भेजा है, लिखा है, उसमें
हो सकता है कि जो वैल्यूज लिखी है ना, तो डेटा कभी कभी बच्चों को याद रहता है, जैसे आप भी पेपर देके आओगे तो कुछ सवालों के जो डेटा होते हैं वो दिमाग से मिसमैच हो जाते हैं, तो जो उसने दिया हो सकता है डेटा में कुछ गड़बड़ हुई हो या हो सकता है सही हो, ठीक। तो अगर सॉल्व हो जाए तो डेटा सही है, अगर सॉल्व नहीं हो तो डेटा में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी बहुभुज होना चाहिए ना, बहुभाज नहीं, बहुभुज। किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। आपको पता है किसी भी बहुभुज के एक आंतरिक कोण प्लस एक बाह्य कोण, एक आंतरिक कोण प्लस एक बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, राइट ना। तो अगर 180 डिग्री होता है जिसमें आपको आंतरिक कोण 135 दिया है, तो बाह्य कोण क्या आ जाएगा, बाह्य कोण को एक्स लिख लेते हैं 180 के बराबर, तो बाह्य कोण आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अब बाह्य कोण आ गया और भुजाओं की संख्या पूछी है, तो भुजाओं की संख्या लिखते हैं और यहां पे लिखेंगे 360 बटे एक बाह्य कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान, ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, और सवाल ही इस पर डिपेंड था, कुछ था ही नहीं। तो 360 बटे अगर 45 करेंगे, 360 बटे 45 करेंगे, 8 बार में कट जाएगा, यानी बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, 8, यानी कि वो अष्टभुज होगा, ऑक्टागन होगा, ठीक है, क्लियर। तो सिंपल सा सवाल था ये भी। नेक्स्ट, 1000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से 1331 हो जाती है, कितने समय में हो जाएगी। बहुत साधारण सा सवाल है कि अपने पास अगर मूलधन 1000 रुपए है और जो कि मिश्र धन में बदलता है, कितने के मिश्र धन में, 1331 के, और ये समय लगता है इसको 3 साल का। अब अगर 3 साल का समय लगा है तो आप इसका क्यूब रूट ले लीजिए दोनों का, क्यूब रूट ले लीजिए दोनों का, अगर 2 साल होता तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 11, यानी जो मूलधन 1 साल में 10 से 11 हुआ है उस पर आपको ब्याज की दर बतानी है। कितना ब्याज मिला, बोले सर एक ब्याज मिला। मैंने कहा किस पर मिला, बोले 10 पर। कितने परसेंट है, बोले सर 10% है। तो ब्याज की दर क्या रही होगी, 10%। यही इस सवाल को पूछा गया था, कितने साल में पूछा जाएगा, तो कितने, अच्छा इसमें 10% दर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, 10 उल्टा कर लो, 10% अगर दर दी है, देख लो वैसे देख लो, तो समय पूछा है, तो समय भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 1000 रुपए मूलधन है, 1331 हो गया है, ब्याज की दर आपको दे रखी है 10%। अब मुझे आप बताइएगा कितना इंटरेस्ट मिलता हुआ दिखा, बोले सर 331 का इंटरेस्ट मिलता दिख रहा है, सिंपल सी बात है। अब मैं अगर पूछूं आपसे 1000 का 10% क्या होता है, आप कहोगे 100, यानी पहले साल में आपको 100 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल में 100 तो मिला ही होगा, इसका 10% और होगा यानी 110 मिला होगा। अगर मैं तीसरे साल की ब्याज बात करता हूं, 110 और इसका 10% यानी कि 11, 121 मिला। तो अगर मैं तीनों सालों के ब्याज को जोड़ लेता हूं, 100, 110 और 121, ये 331 ही तो होता है, और यहां पे भी ब्याज हमें कितना मिल रहा था, 331। तो ये कितने साल में बोला है, बोला सर 3 साल में हो पाया, 3 साल में हो पाया, तो जो समय पूछा गया था तो आपका जवाब होगा 3 साल, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, इस सवाल को मजा आ रही है स्पीड में, ठीक है। यदि किसी वर्गाकार मैदान की भुजा 38 सेंटीमीटर है, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा आपको 38 सेंटीमीटर दे रखी है, आपसे कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में वर्गाकार मैदान का एक चक्कर लग जाएगा, यानी कि परिधि की बात हो रही है। तो पहले मैं अगर वर्गाकार मैदान की परिधि निकालूंगा तो 38 सेंटीमीटर गुणे 4 कर दूंगा, बोले हाँ सर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, परिधि, इसका पेरीमीटर, परिमाप आ जाएगा। अब आपसे कहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 6000 मीटर वो चलता है 60 मिनट में, यही तो मतलब हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटे का, बोले हाँ सर। तो 1 मिनट में वो कितना चलेगा, बोले सर 1 मिनट में तो वो चलेगा कि 60 से 60 कट जाएगा, 100 मीटर चलेगा। तो मैंने कहा अच्छा 100 मीटर चलेगा 1 मिनट में, बोले हाँ सर चलेगा। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये वो दिया था वो सेंटीमीटर में था, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 × 100 इतने सेंटीमीटर वो चलता है 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो यहां पर 100 × 100 करके सॉल्व करेंगे, ठीक। 4 से काट लीजिए 25 बार, ये हो गया, 2 से काटिए 19 बार, 2 से काटिए 50 बार,
ऊपर 19 आएगा, नीचे 25, पंचे 125, 1250 आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा एक मिनट में, कितने मिनट में, एक मिनट। सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा, आपका समय निकल आएगा। क्लियर है, बोलो। ठीक है, जितना इसको मिनिमाइज कर लोगे उतना आंसर आपका आता जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए, ए किसी व्यापार पर 4200 का निवेश करता है, बी उसी व्यापार पर 5600 का निवेश करता है। दो जीरो से दो जीरो पहले काट लीजिए आप, उसके बाद देखिए 7 6 42 और 7 8 56, यानी ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 6 और 8। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 6 2 4 8, यानी ए और बी ने किस अनुपात में पूंजी लगाई है भाई, 3 और 4 के अनुपात में। इतना आ गया, ये पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है उसका, सीधे सीधे कट गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है वर्ष के अंत में कुल लाभ 1820 का था, तो बी का लाभ क्या है। अब अगर कुल लाभ है तो लाभ भी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बटेगा, जब समय समान होता है, जब समय क्या हो बराबर हो, जब समय क्या हो बराबर हो, तो जो पूंजी का अनुपात होता है ना, जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का भी अनुपात होता है, वही लाभ का भी रेशियो होता है। मेरी बात समझ पाए होंगे, क्लियर। तो इसका मतलब 4 और 3 7 का मान है 1820, एक का मान कितना होगा 7 2 14, 4 बचेगा 7 6 42, 260 होगा एक की वैल्यू। अब बी का लाभ पूछ रहा था, बी का लाभ 4 है, तो 4 × 260 तो 26 2 52, 52 2 104, यानी कि 1040 रुपए मिलेगा किसको, बी को, कितने में से, 1820 में से। क्लियर है क्या, बी का पूछता है 3 से गुणा कर लेते 260 में, 780 आ जाता, ठीक, ए का अगर पूछता, क्लियर है, अच्छा सवाल था। ठीक, नेक्स्ट आइए, चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा। ये तो बहुत ही सरल है, 24 × 10 240 सीधे सीधे कट गया, एक आ गया इधर, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 100 × 100, 100 × 100 मित्र क्या होता है 10,000, तो एक्स का मान भी क्या हो जाएगा 10,000। बोलो ठीक है क्या, एक्स का मान क्या हो जाएगा 10,000। क्लियर, आइए अगले सवाल की ओर रुझान ले लेते हैं। ये है आपको अगला सवाल, कह रहा 15 वस्तुएं 15 रुपए में खरीदी जाती हैं, 15 वस्तुएं 15 रुपए में खरीदी जाती हैं, तो एक वस्तु का जो मूल्य होगा वो 1 रुपए बनेगा। बोले हाँ सर बन गया। प्रत्येक वस्तु को 1.25 में बेचा जाता है, यानी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1.25 रुपए है, तो सीधी सी बात है कि उसको 25 पैसे का फायदा होता है, कितने पर, 1 रुपए पर, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, गुणे 100 कर लीजिए। अब आप बताइए कि फायदा अगर देखना है तो 25 पैसे लिखे हैं ना, तो यहाँ का दशमलव तो हट गया ना, तो जी 100 से 100 कट गया, यानी कि उसका जो लाभ का प्रतिशत होगा वो कितने परसेंट का लाभ होगा उसको, 25% का, यही पूछा है। बताओ, कुछ क्वेश्चन तो वाकई में बहुत सरल लाए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन ठीक ठीक लगी, वो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन होने भी चाहिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। और हाँ, PDF का जो वीडियो सोल्यूशन है, डेली शाम को इस वक्त 3:30 से क्लास शुरू हो रही है, 4 बजे से होती थी, 3:30 से इसलिए की है ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं, ठीक है। ये मान पूछ रहा है, अब देख लीजिए, आ जाइए, कितना हो गया 9 2 18, 2 × 3 हो गया तो ये 6। अब इधर से आपके पास क्या बचेगा, -13 में से +8 जाएंगे, माइनस का 5 बचेगा, प्लस इधर था, प्लस का 6, तो +6 -5, यानी कि +1 आपका उत्तर हो गया। ये भी बोर्ड मास पर आधारित है, तो आप देख पा रहे हो कुछ चीजें आपने नोटिस की होंगी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन मिल रहा है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है, किसी भी शिफ्ट में हो तो सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर आ रहा है जिससे क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में लगातार मिलता जा रहा है। आप लोग इस बात का भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर कमेंट भी कर दीजिएगा। और एक चीज और है कि मैंने कम्युनिटी पर एक पोल कराया है, पोल में मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन सा चैप्टर आप एक दिन में पूरा पढ़ना चाहते हैं, वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है भाई, अच्छा वही है, 2.4 के ऊपर बार लगा हुआ है और 3.7 के ऊपर भी बार लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, वैसे ही सॉल्व कर लीजिए जैसे आपने अभी तक किया था, 3.7777777, 7 4 11 1 7 4 11 12 2 2 2 2 2 3 2 5 और 1 6, तो क्या हो जाएगा 6.22 के ऊपर बार, खत्म हो गया सवाल, ठीक। ऐसे कैसे किया है, इससे पहले एक क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट में आया तो वो मैंने करा के अभी पीछे दिखाया है, दूसरे तरीके से भी, दोनों तरीकों से, ठीक है। नेक्स्ट,
दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, उनका अंतर 28 है, बड़ी संख्या। अच्छा अब आप देखो, सेम क्वेश्चन आ गया है, ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है, लेकिन बस सेम क्वेश्चन में फर्क इतना है कि उसमें छोटी संख्या पूछा था और यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है, ठीक। ये दोनों में अंतर है, बस और कुछ अंतर नहीं, सेम क्वेश्चन इससे पीछे मैंने कराया हुआ है। नेक्स्ट आते, इसका मान पूछ रहा है यहाँ पर एन का, तो एन का मान अभी आपको बताया कि अगर आधार बराबर होते हैं तो घात जुड़ जाती है, तो 8, 6, 14 और 14 और 3, 17 बराबर अगर 5 की पावर n है। तो अब इसमें एक चीज और समझिए, अगर आधार बराबर होते हैं तो उनकी पावर भी आपस में बराबर होती है, तो n का मान क्या आ जाएगा, 17। यही आपसे पूछा था, n का मान क्या होगा, 17। खत्म हुआ सवाल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर 300 आया था, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 300 था इसका साधारण ब्याज पूछा था ना, 300। नेक्स्ट चलिए, यदि ए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, वह प्रत्येक 2 घंटे में अपनी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तो आपसे कह रहा है 360 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में तय करेगा। सवाल सरल है, अच्छा, कहने का मतलब पहले घंटे में उसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरीके बता रहे हैं आपको। अगले 1 घंटे में उसकी रफ्तार क्या होगी, 60 + 20, क्योंकि उसने 20 बढ़ा दी, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। उसके बाद अगले घंटे में उसकी रफ्तार क्या होगी, 80 + 20, 80 तो पहले थी, 20 और बढ़ गई, तो अब की रफ्तार हो गई 100। उसके अगले घंटे में अगर रफ्तार देखी जाए तो 100 + 20 हो जाएगी, इसी तरीके से 120, इसी तरीके से हर बार वो हर 1 घंटे के बाद अपनी रफ्तार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा लेता है। तो पूछा गया है आपसे, बताइए कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, सिंपल सी। अब आप इसको क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हो, द्विघात, या सीधे ऐसे करके आंसर निकाल सकते हो। तो पहले 60, फिर 80, 140, 60, 80, 140, 140 और 20, 260, 260 और 100, 360, यानी कि 4 घंटे में वो अपनी 360 किलोमीटर की दूरी को पूरा कर लेगा। या यूं कह सकते थे कि अगर इसमें देखें तो हमारे पास सभी पदों का योग 360 था, तो और समांतर श्रेणी में पदों का योग क्या होता है, n बाई टू, 2a, पहला पद 60, तो 60 × 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितने कितने का गैप था, 20-20 का गैप था, तो 20, और इसको सॉल्व करके आप n का मान निकालते तो भी आंसर आ जाता सेम 4 ही, ठीक है। एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, मेरे ख्याल से नहीं, आएगा ही आएगा, एक नेगेटिव n की वैल्यू, एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी, तो आप पॉजिटिव वाला लेंगे वही आपका आंसर होगा, और जो कि कितना आएगा, 4 घंटे, कितना आएगा 4 घंटे, बोलो ठीक है। अगले सवाल प्रश्न लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, x की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत साधारण सा, अंदर की बाउंड्री अंदर के साथ, बाहर की बाउंड्री बाहर के साथ, बाहर की बाउंड्री बाहर के साथ, तो 42 × 42 बटे में 18 आ जाएगा, बराबर x हो जाएगा। 6 से काट लीजिए, 6 × 3 = 18, 6 × 7 = 42, 3 से काटिए, 3 से 14 बार, 14 × 7 = 98 आपका आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 90 है। खत्म हो गया सवाल, ठीक। नेक्स्ट आता, इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक, देखिए यूनिट डिजिट से भी सुबह भी एक क्वेश्चन आया था, यूनिट डिजिट से सुबह भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, तो यूनिट डिजिट से भी एक आध क्वेश्चन आ रहा है। क्या करना होता है कि जो आधार संख्या लिखी होती है नीचे की तरफ, घात में नहीं, जो आधार संख्या लिखी है उसका इकाई अंक आप ले लीजिए चुपचाप, तो आपने इकाई अंक ले लिया 9, अब काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या है कि जो घात है, पावर है, उसको आप 4 से डिवाइड करके ऊपर शेषफल लिख दीजिए, रिमाइंडर, बस काम खत्म। तो अगर मैं 4 से इस पूरे को डिवाइड करूंगा तो हमें पता होना चाहिए 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है, अगर अंतिम 2 अंक या तो 0 हो तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, या अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हो, तो मुझे सिर्फ 29 को ही 4 से डिवाइड करना था, 4 × 7 = 28, यानी रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1, वही 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब आप बताइए, आपके पास फाइनली अगर लिखा हो 9 की घात 1, तो ये क्या आएगा, बोले सर 9 ही आएगा, यानी इकाई का अंक भी क्या होगा, 9 ही होगा, बोलो ठीक है क्या। ये सरल सा सवाल था, इतने सरल तरीके से आपने पढ़ा होगा तो आपको सरल लगेगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, वैसे मुश्किल इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगा। चलिए इसका मान बताना,
एक्स की वैल्यू इस डायग्राम में आपको बतानी है। तो सिंपल सा बात भाई, बहुत ज्यादा सिंपल। पूछे कैसे? अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है, ठीक, एकांतर कोण, पहला कोण एकांतर कोण। अब अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, x का मान भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट एंगल है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, अभिमुख कोण है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट एंगल। तो इन दोनों बातों से ये पता चल गया कि अगर ये एंगल 40 दिया था तो x का जो मान होगा वो भी कितना होगा? 40 डिग्री ही होगा। बोलो ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, एक संख्या दिया 232 वाई एक्स, कहता है ये संख्या 90 से डिवाइड होती है। 90 से डिवाइड होने का मतलब दोस्त ये है कि इस संख्या को डिवाइड अगर 232 वाई एक्स, अगर ये संख्या 90 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 10 से भी डिवाइड होगी। और 10 से डिवीजन का नियम क्या होता है कि 10 से विभाजकता का नियम ये होता है कि किसी संख्या में अगर इकाई में जीरो लिखा है तो ही वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। तो इसमें एक्स की जगह क्या आ गया? जीरो। अब दूसरा डिविजिबिलिटी क्या चेक करनी थी? इसमें दूसरी चेक करनी थी सर कि 9 से भी होनी चाहिए। और 9 से डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 9 से डिवाइड होती है। तो 3, 2, 5 और 2, 7 यानी y की जगह अगर 2 होगा, क्योंकि x की जगह तो 0 आ ही गया है, y की जगह अगर क्या हो 2 हो तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो y का मान 2 आ गया। आपसे पूछ रहा था x प्लस y, तो x प्लस y के लिए x आ गया है 0 और y आ गया है 2, तो यानी कि x प्लस y का मान भी क्या आएगा मित्र? 2 आएगा। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इसका मान पूछ लीजिए। देखिए त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन खूब आ रहे हैं और मैंने अभी 16 तारीख को त्रिकोणमिति की क्लास पूरी बेसिक से पढ़ा रखी है। 16 तारीख को, 16 अगस्त को त्रिकोणमिति की क्लास पूरी बेसिक से पढ़ा रखी है। यहां पर आपको आई बटन में उस क्लास का लिंक भी मिल जाएगा, क्लास का लिंक मिल जाएगा आई बटन में, ठीक। आई बटन ऊपर यहां पर एक बटन आती है ना, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप क्लास को देख सकते हो, ठीक। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, सारे कॉन्सेप्ट उसमें बता रखे हैं, जो छूटे हैं उसको आगे करा देंगे। टेन और कॉट है यानी इनके कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। तो 9a प्लस 5a माइनस 50 बराबर 90 अगर होगा तो ये हो जाएगा 14a और 50 इधर जाकर जुड़ जाएगा 140 हो जाएगा। a का मान आ जाएगा आपके पास 10 और यही पूछा था आपके a की वैल्यू तो a का मान कितना हो गया? 10 डिग्री। खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट कह रहा है सहअभाज्य संख्याओं का मासापा कितना होता है? हमेशा याद रखना सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें कॉमन सिर्फ एक मिलता है, जैसे 2 और 3, 3 और 4 या 17 और 19 या फिर लिख दें 17 और 18, जिसमें कॉमन सिर्फ क्या मिले? एक मिले, वो कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, कोप्राइम नंबर। तो याद रखिएगा कि सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 ही होता है हमेशा, क्योंकि इसमें कॉमन जो मिलता है ना, कॉमन ही HCF होता है। जो कॉमन मिलेगा वो हमेशा 1 के अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता। तो याद रखना को प्राइम नंबर्स का जो HCF होगा यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, एबीसीडी का परिमाप आपको निकालना चतुर्भुज, जिसमें एक भुजा ये 12 दे रखी है, ये 10 दे रखी है। तो अगर ये 12 है तो ये 12 होगी, ये 10 है तो ये 10 होगी, बहुत साधारण सी बात थी। तो 12 10 22 और 22 दूनी क्या हो जाएगा? 44। अब इसमें क्या होगा ना कि कुछ बच्चे फार्मूला लिखे बगैर रह ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे सर हम ये लिखेंगे और फिर वो कहेंगे कि ये 12 ये 10 और सर फिर हम निकालेंगे 44, हमें ऐसे चैन नहीं आता है एक ही ना बात है बाबू, है ना? ठीक है, आओ इस सवाल को देख लेते हैं। दो पाइप ए और बी टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। ए भर सकता है 12.5 घंटे यानी कि 25/2 घंटे में और बी भर सकता है 25 घंटे में। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 से इसकी क्षमता 2 हो जाएगी, इसकी क्षमता 1 हो जाएगी। दोनों पाइप एक साथ खोले गए और यह पाया गया कि पेंदी में रिसाव के कारण टंकी भरने में 1 घंटे 40 मिनट ज्यादा लगता है। रिसाव के कारण पहले ये तो पता कर लो कि अभी टंकी कितनी देर में भर रही है। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3, यानी कि 25 को अगर मैं 3 से विभाजित करूंगा तो 3 8 24 यानी 8 घंटे 20 मिनट लगने वाले हैं। अगर नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे,
लेकिन कह रहा है अगर रिसाव है तो कितना समय ज्यादा लगता है, 1 घंटे 40 मिनट। तो इस 8 घंटे 20 मिनट में अगर मैं 1 घंटे 40 मिनट और जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8 और 1 9 40 20 60, यानी कि पूरे पूरे 10 घंटे। यानी अब इस ए बी और सी के साथ 10 घंटे लग रहे हैं। अब बताइए कि ये 25 की टंकी कितनी देर में भरेगी, यानी कि अब इफिशियंसी क्या आएगी। तो आप कहोगे 25 को अगर मैं 10 से विभाजित करता हूं तो इन तीनों की जो क्षमताएं होंगी वो 2.5 होंगी तीनों की। अब तीनों की क्षमता 2.5, जिसमें ए की 2 है बी की 1 है, तो सी की क्या होगी। बोले सर सी की निश्चित तौर पर अगर इन तीनों का 2.5 आ रहा है तो इसका 0.5 होना चाहिए, तभी तो 2, 1, 3 में 0.5 घटाओगे 2.5 आएगा। बोले आएगा सर, ठीक। इसका मतलब सी अगर टंकी को खाली करता है, कह रहा है ना, तो जब टंकी भरी हो तो रिसाव द्वारा, यानी कि रिसाव द्वारा टंकी 1 घंटे में 0.5 खाली होती है। तो पूरी 25 टंकी को अगर मैं 0.5 के हिसाब से खाली करूंगा तो मुझे कितना समय लगेगा। बोले सर 50 घंटे लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये सवाल हमको ऐसा लगा जो कि अच्छा था, बाकी सवाल तो सब इजी इजी आ रहे थे, एक ये सवाल थोड़ा सा अच्छा आया था, इसमें और कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आज के आपके, यानी 18 अगस्त की तीनों शिफ्ट को मिलाकर, तीनों शिफ्ट को मिलाकर सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तीनों शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। अच्छा, इसकी पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो पीडीएफ आपको सोल्यूशन के साथ पाठशाला रेलवे एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं। चलिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।